ठेकेदार यहाँ का योगी जी हैं जो सरकार चला रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आम आदमी गला घोटा है? अगर आप भी हल नहीं करोगे तो आपका भी निपटारा हो जाएगा। राम राज बोलने से रामराज बन जाएगा क्या? आम आदमी की हालत देखो, नोएडा के लोगों का शोषण हो रहा है, नोएडा के 81 गाँव है और 81 गाँवों के साथ पूरी तरह से धोखा हो रहा है। किन बातों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मेरे घर का मुद्दा है एक तो, जब हमने आपको जमीन दे दी नोएडा प्राधिकरण को, हाँ। और नोएडा फल फूल रहा है, तो पहली बात तो ये कि मेरा घर कैसे ले लिया गया जब मैंने मुआवजा नहीं लिया। एक तो हमारे घर की लड़ाई चल रही है, दूसरा इन्होंने क्या किया है, एक भाई को 10% प्लॉट दे दिया, दूसरा भाई बैठा बैठा देख रहा है, किसी को 2002 से दे दिया, 2097 वाला बाप बैठा बैठा बाट देख रहा है। हम ये कहते हैं भैया आप ये खैरात मत बांटो, बंदर बांट मत करो, आप अगर देना है तो सबको समान रूप से दो। जब मेरे भाई को मिल गया है तो मुझे क्यों नहीं मिले? सभी का हक है, एक ही जमीन है, एक ही बाप के बच्चे हैं, फिर भी उनको अलग अलग, ऐसा ये गलत बात है। तो ये न्याय की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है और हम इसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। तीसरी बात, आप गांवों का माहौल देखो, गांवों में नक्शा नीति लागू कैसे हो सकती है? हमने मैडम से बोला जी गांवों में नक्शा नीति व्यवहारिक नहीं है, आप इसे लागू मत करो। मन की आपने कितने नक्शा पास कर दिए अभी तक? बोलिए अभी तक तो पास हुए नहीं है। अरे जब पास नहीं हुए हैं, हम इस बात को कह रहे हैं, हमारे रहन सहन का जो ढंग है वो कुछ अलग तरह से है, हमारा कुछ अलग कल्चर है, कहीं भैंस बन रही है, कहीं खोर बन रही है, कहीं अलग कुछ पड़ा है, तो हम नक्शा के दायरे में हम नहीं आ सकते। हम ये कहते हैं कि भैया आप नक्शा नीति गांवों में लागू मत करो, लागू करोगे तो शोषण का आधार बनेगा, पुलिस आएगी, अथॉरिटी आएगी, अपना हिस्सा ले जाएंगे। गलती किसकी है इस तरह से जो प्रक्रिया हो रहा है? देखो ये जो नीति बनाते हैं हमेशा आम आदमी क्या गलती होती है? आम आदमी कोई गलती नहीं है, जो नीतियां बनाते हैं उनको विचार करना चाहिए ना, कभी कहां किस किस तरह से क्या। आप लोगों की मांग किससे है? सरकार से है, प्रशासन से है, प्राधिकरण? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ प्राधिकरण से है, प्राधिकरण के ऊपर कौन बैठे हैं, प्राधिकरण को चला कौन रहा, उनके आका कौन है, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, तो ठेकेदार कौन है? ठेकेदार यहाँ का योगी जी हैं जो सरकार चला रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आम आदमी गला घोट रहा है? आज उनकी वो ये कहते हुए ये पुरानी समस्या है। अरे पुरानी समस्या थी, जबी तो आपको बढ़ा दिया। अगर आप भी हल नहीं करोगे तो आपका भी निपटारा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राम राज है और आप लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। अच्छा राम राज मतलब राम राज बोलने से राम राज बन जाएगा क्या? आम आदमी की हालत देखो, उसके पेट पे कसर पड़ रही है, उसका गला घुट रहा है, आए दिन उसका शोषण हो जाता है, आए दिन उसका हक छिन जाता है। कभी राम राज में देखा था कि वहाँ कोई किसी का हक छिनता था? नहीं, वहाँ किसी का हक नहीं छिनता था। तो निश्चित तौर पर ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी इन्हीं की है, हक नहीं छीनना चाहिए आम आदमी को, तभी राम राज आएगा। कहने से राम राज नहीं आने वाला। आदित्यनाथ से क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के? हम तो देखो जी यही अपील करेंगे, नोएडा के 81 गांव है और 81 गांवों के साथ पूरी तरह से धोखा हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, दिन में सरेआम, पहले लूट रात को होती थी और अब ये दिन में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे किसी के भी हैं, चाहे पुलिस में, क्या समझ रहे हो आप, सब जगह नोएडा के लोगों का शोषण हो रहा है। और इस जाति के खिलाफ हम पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं 81 गांव, और अब की बार पूरा इंतजाम कर देंगे, अपना शोषण नहीं होने देंगे और अपना हक लेके रहेंगे। इंतजाम मतलब क्या? 2022 के चुनाव में ये इंतजाम है, ये इंतजाम है जहाँ लाखों लोग एक हो रहे हो, आप देख रहे हो क्या माहौल है, क्या प्यार का माहौल है। यहाँ से वहां तक 81 गांवों के किसान जाके देखो 20-20 हजार, 15-15 हजार, और आपको कल से आप देखेंगे 50 हजार से ऊपर चलेगी, लाख तक हमारी संख्या पहुंचेगी। 2022 की रणनीति में आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखो जी, सरकार रणनीति अपने आप तैयार हो जाएगी जब हमारा काम नहीं होगा। आप मेरी भाव समझते हो, जब मेरा काम नहीं होगा तो रणनीति आगे क्या होगी बताओ? जब एक आदमी मेरा काम नहीं कर रहा तो मैं दूसरे को सोचूंगा, और लोकतंत्र में और क्या है, यही तो है और क्या है। हमारे हाथ में कोई है तो है नहीं, हम किसी को मारे या कुछ करें, लोकतंत्र में ये अपने हाथ में वोट होती है। तो जब आप मतदाता काम नहीं करोगे, आम आदमी काम नहीं करोगे, तो वो
वो सीधी सी बात है वोट की चोट करेगा निश्चित तौर पर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।